अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं शांत गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। देखो मजाक मत किया करो, तुम जानते हो अगर इस पर भी हमारी मुराद पूरी नहीं हुई तो हम हमेशा के लिए औलाद से महरूम रह जाएंगे। मैं तुझे छोड़ के कहां जाऊंगा। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं करने वाला हूं वो फिल्म इंडस्ट्री में आई थी एक डायरेक्टर बनने। वो इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें एक्टिंग की ऑफर्स आने लग गई और वो बन गई एक एक्ट्रेस, और वो है द वेरी ब्यूटीफुल दीपा साही। लेकिन ये पाप का पैसा फलेगा नहीं भैया, एक ना एक दिन कानून के हाथ तेरी गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। तेरा और मेरा रास्ता अलग अलग है, तेरे साथ मेरा कोई संबंध रहे मेरा फर्ज ये गवारा नहीं करता। ये मेरे पति की राख है, मेरे लिए उस भभूति के समान है जो तेरे भक्त अपने शरीर पर लगाकर शक्ति प्राप्त करते हैं। कल मेरे पति ने मेरी मांग सिंदूर से भरी थी, आज मैं तुम्हें साक्षी मानकर अपनी मांग अपने पति की चिता की राख से भर रही हूँ। 30 नवंबर 1962 में पैदा हुई थी दीपा देहरादून में एक पंजाबी परिवार में। उनके पिता आर्मी में थे, उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी और उनकी एक बहन भी थी। दीपा ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की इन द प्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली से, और उन्होंने सोशियोलॉजी में गोल्ड मेडल भी जीता। दीपा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और साथ ही साथ उन्हें फिल्मों का भी शौक था। वो एक डायरेक्टर बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने दिल्ली में NSD ज्वाइन कर ली। NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और डायरेक्शन में कोर्स करने लगी। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मशहूर डायरेक्टर गोविंद नहलानी से। वो दीपा से बहुत इंप्रेस हुए और फौरन अपनी एक फिल्म की ऑफर दे दी बहैसियत एक्ट्रेस। दीपा ने भी सोचा कि क्यों ना मैं एक्टिंग से ही अपना करियर शुरू कर दूं और बाद में डायरेक्टर भी बन जाऊंगी। और इसी तरह दीपा को अपनी पहली फिल्म बड़ी आसानी से मिल गई। फिल्म का नाम था पार्टी, जो आई थी 1984 में, जिसे डायरेक्ट किया था गोविंद नहलानी ने। वो जानता है मेरा जवाब और तुम भी। क्या बुराई है साहब आगाशे में? तुम बीच में मत पड़ो राहुल। राहुल अब बच्चा नहीं है। मम्मी प्लीज लेट्स नॉट मेंशन नेम्स। इस फिल्म में गोविंद नहलानी को दीपा साही का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए भी दीपा साही को कास्ट कर लिया। फिल्म का नाम था आघात, जो आई थी 1985 में। दोस्तों, पार्टी और आघात दोनों 8 फिल्में थी, लेकिन दीपा को तो कमर्शियल फिल्मों में काम करना था, यानी मसालेदार फिल्म। और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई 1988 में, जब उन्होंने एक फिल्म साइन की। फिल्म का नाम था हीरो हीरा लाल, जो आई थी 1988 में, और फिल्म के डायरेक्टर थे केतन मेहता और दीपा के साथ थे नसीरुद्दीन शाह। तो हमारा भी वायदा रहा, हम तुम्हें ऐसी शानदार मौत देंगे जो आज तक किसी को मिली है ना मिलेगी, और जिंदगी के बाकी दिन भी तुम ऐसे गुजारोगे जिसे पाने के लिए लोग बार बार मरना चाहेंगे। हीरो हीरालाल फिल्म तो अच्छी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी दीपा ने कुछ और फिल्में साइन कर ली, जैसे त्रिनेत्र, दुश्मन और हम। बड़ी बदकिस्मत होती है वो औरत जो सोने की सराय में रहने के लिए स्वर्ग को ठुकरा देती है। अगर आपकी बेटी सचमुच विजय से प्यार करती है तो एक दिन आपकी शर्तों की दीवारें तोड़कर विजय के टूटे फूटे स्वर्ग में खुद ही चली आएगी। याद रखिएगा मेरी इस बात को। एक दूसरे दीपा साही NSD की एलिमनी थी और एक्टिंग को बहुत सीरियसली लेती थी। वो कहती हैं कि इंसान जो भी काम करे उसमें इंसान को अपना 100% देना चाहिए।
दोस्तों हम आपको बता दें कि 1993 में दीपा साही की एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था माया मेम साहब, और माया मेम साहब को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि माया मेम साहब उस वक्त कॉन्ट्रीवर्सी से घिर गई थी, क्योंकि उसमें एक बहुत बोल्ड सीन था दीपा साही और किंग खान का, यानी शाहरुख खान का। दीपा कहती हैं कि वो सीन स्टोरी की डिमांड थी, इसलिए मैंने वो सीन किया और मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है। दोस्तों हीरो हीरा लाल की शूटिंग के दौरान दीपा डायरेक्टर केतन मेहता से बहुत इंप्रेस थी, और केतन मेहता भी दीपा साही से बहुत इंप्रेस थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारने लगे, एक दूसरे के करीब आ गए, और 1988 में दीपा ने और केतन मेहता ने शादी कर ली। लेकिन दोनों साहेब औलाद नहीं है। दोस्तों दीपा साही ने कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन उनके फेवरेट डायरेक्टर हैं गोविंद नहलानी। वो कहती हैं, गोविंद जी ने मुझे मेरी पहली फिल्म दी और मुझे अपनी टीवी फिल्म तमस में एक यादगार रोल दिया। दोस्तों ये बताना बहुत जरूरी है कि तमस को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था, और ये टेलीविजन फिल्म तमस आई थी 1988 में। तेरे किए ना किए कुछ नहीं होता, यहाँ इतनी देर से दर बदर भटक रहे हम लोग और तू इसको ही रट लगाए जा रहा है। अरे कौन लोग हैं जो ये सब करवा रहे हैं? और तू है क्या? तू ढोर ढंगरों का चबड़ा साफ करने वाला, तेरी क्या औकात? दोस्तों दीपा साही फिल्मों में डायरेक्टर बनने आई थी, और उन्होंने अपना ये पैशन पूरा किया 2011 में एक फिल्म डायरेक्ट की। फिल्म का नाम था तेरे मेरे फेरे। दोस्तों तेरे मेरे फेरे ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई, और इसके बाद दीपा साही ने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। दोस्तों दीपा साही आज भी अपने पति के साथ मिलकर कई फिल्में और टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, और 2015 में दीपा ने एक फिल्म प्रोड्यूस की, फिल्म का नाम था माझी द माउंटेन मैन। फिल्म के डायरेक्टर थे उनके पति केतन मेहता, और दीपा ने इस फिल्म में एक कैमियो रोल किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। दीपा साही आजकल मुंबई में रहती हैं अपने पति केतन मेहता के साथ और बहुत खुश हैं, और कहती हैं इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसका दिल कहता है, क्योंकि वही काम वो दिल से करता है और बहुत अच्छा करता है। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।